छत्तीसगढ़ में वैसे तो बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय सबसे पुराना और विश्वसनीय विश्वविद्यालय के लिए ख्याति प्राप्त है। इसमें छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी की संख्या सबसे ज्यादा है। इसमें सत्र 2018-19 में आए परीक्षा परिणाम ने छात्रों के विश्वास को तोड़कर रख दिया। इसे देखकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार और विश्वविद्यालय के खिलाफ पुतला दहन किया है। आपको बता दें, अखिल भारतीय परिषद राजिम द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन किया गया है। पिछले दिनों बीकॉम बीएससी बीए का रिजल्ट जारी हुआ, जिसे यह देखने को मिला कि लगभग 1287 विद्यार्थियों के परिणामों में अनुपस्थिति दर्ज हुई है और गरियाबंद जिले में यह आंकड़ा लगभग 200 का था, जबकि ये सभी विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित थे। इसके विरोध धमतरी सहित समस्त जिला केंद्रों में पुतला दहन किया गया है और आगे यह स्थिति नहीं सुधरने पर अखिल भारतीय परिषद ने चरणबद्ध तरीके से धरना देने की बात कही है। जिस प्रकार हमारे छात्र भाइयों एवं छात्राओं के साथ ये तानाशाही भूपेश सरकार की हो रही है और कुलपति महोदय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो छात्र कॉलेज में परीक्षा दिलाता है उसके बाद भी उसको उसका परिणाम देखने मिलता है कि वो अब्सेंट है, उसे छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी का चक्कर काट काट के तंग आ चुके हैं। तो उसके लिए एबीपी आज धरना प्रदर्शन में बैठी थी और पुतला भूपेश सरकार का पुतला दहन किया, कुलपति महोदय का पुतला।